जहां पर शासकीय धनराशि में किया गया फर्जीवाड़ा, अधिकारियों के नकली दस्तखत कर किया ये फर्जीवाड़ा, ग्राम प्रधान ने अधिकारियों के लिए नकली साइन किए, एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी अधिकारी कर रहे हैं लीपापोती। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, शासकीय धनराशि में किया गया फर्जीवाड़ा, 2.18 लाख सरकारी खाते का अब तक पुलिस ने नहीं कोई कार्रवाई। बीकेटी के पंचायत जी शनि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शनि, इस पर क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है? फर्जी तरीके से सिग्नेचर किया गया और धनराशि कर इस पर चोरी टाइप का एक मामला है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? 2,18,000 रुपए का जो ये शासकीय धनराशि है उसमें कहीं ना कहीं गमन कर दिया गया, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है जो धनराशि है इसको जो है नकली अधिकारियों के हस्ताक्षर करके जो है पैसा निकाल लिया गया और ग्राम प्रधान के ऊपर जो है ये अधिकारियों ने आरोप लगाया है, जो जो ग्राम प्रधान है परसौ गाँव के उसके ऊपर ये आरोप लगाया है। हाँ। और अब तक इसमें जो है FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक की गिरफ्तारी नहीं की गई, ना ही जो है इनसे रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया, अभी तक इस तरह का कुछ निकल। तो 2,18,000 रुपए की जो धनराशि है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से निकाल दी जाती है। ये बैंक ऑफ इंडिया का मामला है जहां से निकाला गया, हालांकि पुलिस ने जो है बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं नोटिस दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी शुक्रिया सनी तमाम जानकारियों के लिए। तो सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिसमें शासकीय धनराशि में किया गया है बड़ा फर्जीवाड़ा, 2.18 लाख सरकारी खाते से किया पार। अगली खबर